हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैजान मलिक और आप देख रहे हैं फैजी की टिप्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ अगर कोई चीज़ फेस करना पड़ती है आपको, तो वो होती है एलर्जी। जैसे कुछ लोगों के साथ मैं देखता हूँ कि दाद होते हैं, और दाद इतने ख़तरनाक रूप ले लेते हैं कि वो ज़ख़म बन जाते हैं। आप उनको देखेंगे अगर, या आप ख़ुद भी फेस करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि एक बड़ा अजीब सी होती है, एक रौरेहट से होती है पूरे जिस्म में। बहुत बुरा लगता है जब ये खुजली वाली परेशानी होती है। दूसरी चीज़, आप अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप किसी के सामने थोड़ा शाही महसूस करते हैं ना, क्योंकि आप कहीं खड़े हैं तो पता चला आप खुजला रहे हैं, तो उसमें शर्म सी आती है। वो चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं, अट्रैक्टिव नहीं लगती है ना, मज़ा नहीं आता है। तो ये चीज़ें काफ़ी फेस करना पड़ती हैं, शर्म सी लगती है कि यार हम किसी के सामने खुजली कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ा परेशानी होती है, इसमें आप लोग जो फेस कर रहे हैं वो जानते होंगे। और ये होने की वजह ज़्यादातर यही रहती है कि जो जिन लोगों को मैंने देखा है कि जो पैंट वगैरह चढ़ाए रहते हैं पूरा दिन, जीन्स पहने हैं या ट्राउज़र पहने हैं, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस होती है। क्योंकि वो फिर वो पसीना जो होता है दिन भर का, वो पसीना मरता रहता है, तो वो उस जगह पे जाकर गंदगी जम जाती है और वो जो है खुजली में बदल जाती है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, वो पैंट भी नहीं पहनते हैं और ट्राउज़र पहनने भी नहीं पहनते हैं, और लोअर ही पहने रहते हैं या फिर कुर्ते पजामे वाला पजामा पहने रहते हैं, फिर भी उनके साथ ये प्रॉब्लम होती हैं। तो उसमें हो सकता है उनकी ब्लड में कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए आप कोई ब्लड प्योरीफायर वगैरह इस्तेमाल कर लें, वो आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन ब्लड प्योरीफायर से आपका ब्लड साफ़ हो जाएगा, ये दांत खाज खुजली वाली परेशानी आपकी सॉल्व नहीं होगी। तो अब आप मार्केट में जब दांत खाज खुजली के लिए जाएंगे, तो आपको बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मैंने ही बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप जाएं मेरे चैनल विज़िट करें, बहुत अलग अलग उसके प्रोडक्ट हैं और बहुत अलग अलग फार्मूलाज के साथ मैंने वीडियो बना रखी है। सब अपनी अपनी जगह काम करते हैं। तो आपको सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि आपको इस्तेमाल कौन सा करना है, कि आपको फ़ायदा कौन सा देगा। तो जो मैं आज आपसे बात करूंगा प्रोडक्ट की, वो अल्टीमेट रिज़ल्ट देने वाला प्रोडक्ट है और आपको हर एरिया मिल जाएगा। तो आज की मैं प्रोडक्ट की आपसे बात करूं, तो मेरे पास है ये डर्मिकैम K85 के नाम से, आप देख सकते हैं। बताएंगे इसके बारे में सारी डिटेल आपको हमेशा की तरह। तो सबसे पहले मैं इसकी अगर मैं बात करूँ आपसे फार्मूलाज की, तो इसके अंदर क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट, टोलनाफ्टेट, न्यूमाइसिन, लोडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्यूनानाइल एंड कीटोकोनाजोल, ये होता है इसके अंदर फार्मूले मिक्स। चार पांच तरीके के फार्मूले के साथ मिश्रण किया गया है, 15 ग्राम का ट्यूब होता है। अब बात करें इसके कंटेंट्स की, इसके अंदर कितनी कितनी कंपोजिशन मिक्स की रहती है। तो क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट 0.05% है, टोलनाफ्टेट 1% है, न्यूमाइसिन सल्फेट 0.1% है, लोडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्यूनानाइल 1% है, और कीटोकोनाजोल 2% है। और थोड़ी इसकी मैं आपको बताता चलूँ साथ के साथ, कि इसको आपसे लाइट से प्रोटेक्ट करना है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है, टेम्परेचर जहाँ आपका 25 डिग्री होगा आप वहाँ रखेंगे, उसको हवा वाले एरिया में नहीं रखना है और फ्रीज में नहीं रखना है, बच्चों की बहुत से दूर रखना होता है, ये तो होता है सेम। मैं इसकी आपको पैकिंग दिखाता चलूँ साथ के साथ, ये आप देख सकते हैं ये पैकिंग है इसकी। तो मैं अब आपसे बात करता हूँ इसके इस्तेमाल करने की। तो आपको लगभग 99% लोग इसका नहीं, किसी भी क्रीम का इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते हैं बढ़िया करके। जो एंटी फंगल क्रीम आते हैं ये वाले, इसका कोई भी अच्छे तरीके से आप लोग 99% लोग, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप लोग अच्छे से इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते हैं। जो एक प्योर जिसको कहते हैं जेनेटिक तरीका होता है, जो इस्तेमाल करने के तरीके मैं आपको आज बताता हूँ। मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, जितनी भी एलर्जी की मैंने ट्यूब बना रखी है या वीडियो जिसकी भी दे रखी है मैंने एलर्जी से रिलेटेड, उस सब में मैंने ये तरीका बताया है। तो आपको क्या करना है कि आप इस क्रीम को 2 बार इस्तेमाल करेंगे, दिन में 2 बार, सुबह और शाम 2 बार इस्तेमाल करना है। तो अब मैं जो तरीका मैं बताता हूँ आपको, उस तरीके से आप जब आजमाएंगे तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। इससे बेहतरीन आपको तरीका ना कोई बताएगा आपको, और ना ही कोई आपको इतने अच्छे तरीके से समझाएगा जैसा मैं आपको बताऊंगा। तो क्या करना है आपको, क्रीम लेना है मात्रा अनुसार जितना आपको लगाना है, तो उस जगह पर लगाएं जिस जगह पर दाद है, उसके अलावा अलग किसी जगह पर लगाने से बचें। आपने उस जगह पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सुबह को आपने लगाया, फिर अब बात आती है शाम को लगाने की। तो आपको शाम को लगाने से पहले सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको उस जगह को गीले कपड़े से रफ़ करना है बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि जो आपने सुबह जो क्रीम लगाया था वो क्रीम की जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, वो क्रीम लगा नहीं रहना चाहिए, उसकी परत ख़त्म होना हट जाना चाहिए। ये आप खास ध्यान रखें, मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ। जब वो परत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए, फिर उसके बाद आप जो है फिर आप लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप दूसरी तरीके से शाम को फिर वैसे ही लगा लें, फिर शाम को लगा के रात को आप लेट जाएँ, फिर सुबह को जब फिर से उठें तब भी आपको
रेगुलर कंटिन्यू वैसे ही करना है जैसा मैंने बताया, गीले कपड़े से साफ़ करें। अदरवाइज़ आपका क्या होता है कि वो पुराना वाला जो आपने सुबह लगाया वो शाम को जब आप नहीं साफ़ करेंगे तो वो लगा रह जाएगा, आप दूसरा ऊपर से लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो इसलिए नए तरीके से जब आप साफ़ कर देते हैं तो थोड़ा दांत का भी रंग नया आ जाता है और ट्यूब जो लगेगा फिर वो अपनी मात्रा से बढ़िया तरीके से काम भी करता है। ये जो है इसका सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है लगाने का। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स की। तो साइड इफेक्ट्स कोई नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ साइड इफेक्ट यही है कि आपको सिर्फ अपने उसी जगह पर लगाना जिस जगह पर आपको एलर्जिक रिएक्शन है। अब मैं आपसे बात करता चलूँ इसकी कंपनी की, तो मेरे पास ये एलकेम का है और एलकेम अल्टीमेट रिजल्ट देने वाली कंपनी है। ये एलकेम यहाँ मेंशन रहता है, अल्टीमेट रिजल्ट देती है। और एलकेम के प्रोडक्ट जितने भी हैं वो आप गूगल सर्च करेंगे तो एलकेम पे आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ पाएंगे इसके, और इसके रिज़ल्ट भी अल्टीमेट मिलते हैं हर प्रोडक्ट के। फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसकी लास्ट में एमआरपी की। तो ये 15 ग्राम का ट्यूब है, काफ़ी बड़ा होता है, 15 ग्राम काफ़ी क्वांटिटी होती है और 82 रुपये का पड़ता है, मतलब 80 रुपये के आसपास मिलेगा। आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि आप किसी भी एरिया में रहते हो आपको हर एरिया में ये अवेलेबल होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये अगर ये परेशानियाँ सॉल्व करनी है, ये जो दांत और खाज खुजली वाली, तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ फोड़े फुंसी की अगर प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस्तेमाल करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया है आप वही रखेंगे। उसके अलावा आप तरीका कोई भी लगाएं, आप खुद भी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि जब आप किसी और तरीके से लगाएंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, जो रिज़ल्ट जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से लगाएंगे वैसे मिलेगा। तो ये चीज़ आप खुद भी आजमा सकते हैं। ये एक बहुत सीक्रेट तरीका होता है इस्तेमाल करने का, ये आपको हर कोई नहीं बताता है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ के साथ शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं ना बता पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो ठीक है, कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी से। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।